हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको कुछ डेट के छोटे छोटे फार्मूले में बता रहा हूँ। पहला फार्मूला हमारा ये है कि हमको कोई भी डेट हमको मिली है उसका हमको दिन याद नहीं है, दिन देखना है। दिन कैसे देखेंगे कि मतलब मंडे या ट्यूसडे बैठने से क्या है। ऊपर हमने एक डेट डाल दिया ऊपर, दो मतलब दो जो है फरवरी के लिए है। पहला नंबर जो है ये मंथ का है, दूसरा डेट का है और ये साल का है। तो फरवरी की 10 तारीख को क्या दिन होगा इजिकल टू, कोई फार्मूला होगा इजिकल टू से स्टार्ट होगा, टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट लिखा रहा है, आप देख रहे हैं ब्लू में, टैब दबाएंगे, जो डेट हमने लिखी है उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हमको चार बार डी लिखना है, 1 2 3 4 इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो आपने देखा ये कि 10 फरवरी का जो है क्या दिन होगा, कंप्यूटर ने आपको बताया वेडनेसडे होगा। अब आप इसको चेक कर लेना ये ठीक है कि गलत है। इस तरह से हम कोई भी डेट हो उसका मंथ पता मतलब वार पता कर सकते हैं। अब नीचे हम देखना चाहते हैं कि किसी की डेट ऑफ बर्थ लिखी है कि वो आज की तारीख में कितने साल का हो गया, कितने महीने का, कितने दिन का हो गया। तो इजिकल टू डेटेड इफ, DATED IF इफ, डेटेड इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, पहले हम डेट ऑफ बर्थ लेंगे, सेलेक्ट करेंगे उसको तो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, बीच में कॉमा लगाएंगे और आज की डेट तक का पता करना है कि कितने साल का हो गया, तो आज की डेट लेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हमने साल पता करना है तो वाई लिखेंगे, ईयर, ईयर का वाई, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपने देखा है कंप्यूटर बोल रहा है 20 साल का हो गया जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है, इज इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमको देखना है कितने महीने का हो गया, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा में हमको वाई एम लिखना है, जैसे इन्वर्टेड कॉमा कॉमा लगे उसी तरह से आपको लगाने, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये बीच में वो लग गया, अब ये जीरो आ गया कि जो महीने वो जीरो हुए हैं इसलिए हुए कि वो वहाँ जनवरी 25 तारीख है, यहाँ फरवरी 2 तारीख है, तो फरवरी 25 तारीख होगी तब ये एक महीना पूरा होगा। डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अब हमको दिन देखने के कितने दिन का हो गया है, डेट ऑफ बर्थ की डेट लेंगे, उसके बाद हम करंट डेट लेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में एम डी लिखना है, एम डी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 6 दिन का। 6 दिन का कैसे, 25 जनवरी की डेट है तो 26 27 28 29 30 31। अब हमको यहाँ देखना है, नया फार्मूला लगाते हैं, ये आपने देख लिया किस तरह से फार्मूले ऊपर लिखे हुए हैं, ध्यान रखना है। अब हम देखना चाहते हैं कि जो करंट डेट है उससे एक महीना पहले उसी डेट पर क्या तारीख हो, क्या दिन होगा, मतलब वार क्या होगा, इज इक्वल टू ई मंथ, ई डेट आएगा, ई डेट, ई डेट लिखा आ रहा है, टैब दबाएंगे, डेट सेलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा
दो महीने पहले, माइनस दो का मतलब दो महीने पहले, ब्रैकेट बंद एंटर। तो दिसंबर दो का क्या वार वार होगा? बुधवार होगा। अब हम देखते हैं कि दो महीने आगे का क्या वार होगा। इज इक्वल टू ई डेट, ई डेट लिखा वाला टैब दबाएंगे, करंट डेट दो महीने आगे का मतलब प्लस टू, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब जब भी आपको नंबर मिले तो यहाँ जर्नल में जाके बिल्कुल लास्ट में जाना है और यहाँ डेट को सिलेक्ट करना है हमने, और डेट का जो फॉर्मेट है उसको क्लिक करेंगे, जो भी फॉर्मेट हमको चाहिए। तो 2 अप्रैल का सैटरडे होगा और 2 दिसंबर का वेडनेसडे था। इस तरह से ये हम डेट, सेम डेट आगे के महीने या पीछे के महीने में क्या वार होगा ये पता करना है। अब ईओ मंथ, ईओ मंथ का मतलब जो होता है कि जो भी मंथ होगा आगे का या पिछला, उसकी आखिरी तारीख को क्या वार होगा। इज इक्वल टू ईओ, जैसे हम ईओ करेंगे, ईओ मंथ लिखा आ रहा है, टैब दबाएंगे, डेट सेलेक्ट कर ली हमने, कॉमा। अब ये माइनस वन का मतलब ये कि एक महीना पहले, ब्रैकेट क्लोज एंटर, वही फॉर्मेट अब करना है, ध्यान जाना लास्ट में, डेट को क्लिक करेंगे और जो फॉर्मेट चाहिए उसको क्लिक करेंगे। तो एक महीना पहले जो जनवरी की 31 तारीख का क्या वार था, संडे था। अब एक महीने बाद का देख लेते हैं। इज इक्वल टू ईओ मंथ, ईओ करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा, लिखा हुआ नीचे ब्लू से, टैब दबाना है, डेट को सिलेक्ट करा, कॉमा, महीने को सिलेक्ट करा हमने, जो महीना चाहिए आगे या पीछे का, ब्रैकेट क्लोज। अब इसने बताया कि 31 मार्च का क्या वार होगा, थर्सडे होगा। तो ये आप कैलेंडर से चेक करके देख लेना, ये जो कंप्यूटर ने बताया ठीक है कि गलत है। तो इस तरह ये चार फार्मूले हैं, इनको आप ट्राई करना। इसमें तीन फार्मूले हैं, एक, ये दो, ये तीन, और तीन, ये टोटल 6 फार्मूले हैं। और ये फार्मूले जो हैं, ये यहाँ जैसे हमने क्लिक किया, ये फार्मूला ऊपर लिखा आ गया, इसको क्लिक किया ये ऊपर फार्मूला लिखा आ गया, ये क्लिक किया ये आ गया, इस तरह से ये फार्मूले लिखे हुए आ रहे हैं। इनको आप नोट कर लेंगे और खुद करके देखेंगे ठीक हो रहा है कि नहीं। और मेरा वीडियो देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। एंड टेक केयर, बाय, थैंक यू।